राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान के कृषि विज्ञान केंद्र की ओर से संकल्प से सिद्धि न्यू इंडिया विषय को लेकर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जहां वर्ष 2022 तक नव भारत निर्माण का संकल्प दिलाया, वहीं किसानों को कृषि की नवीन तकनीकों को अपनाकर आय दोगुनी करने के बारे में बताया गया। इसमें करनाल के सांसद अश्विनी चोपड़ा ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की और भाजपा जिला अध्यक्ष जगमोहन आनंद विशिष्ट अतिथि तौर पर उपस्थित रहे। जिले के विभिन्न गांव के करीब 300 किसानों एवं ग्रामीण महिलाएं स्थानीय भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थानों और प्रदेश के कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, बागवानी के अधिकारियों ने भाग लिया। संस्थान के निदेशक डॉक्टर आर.आर.पी. सिंह, ICAR के ADG डॉक्टर BS प्रकाश तथा CCSHAU उचानी के क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर समर सिंह ने कृषि एवं संबंधित आयों में उन्नति हेतु अपने विचार रखे। किसानों को और ये चल रहा है आजकल संकल्प से सिद्धि, हमारे प्रधानमंत्री जी का एक नया प्रयास है किसानों को उत्साहित करने का और उनकी मदद करने का, उनको संकल्प आज हमने दिलवाना। मुझे तो लगता है कि जिस तरह से स्कीमें चल रही हैं इंश्योरेंस की और दूसरी, उससे धीरे धीरे किसानों की जो उनकी सेफ्टी है पहले से आगे बढ़ती चली जा रही है। अभी सब मतलब देखो ऐसे है कि मैं ये समझता हूँ कि लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने में उन जिस तरह से उन लोगों ने इतने ढेर सारे लोग वहाँ पर आ गए, तो जिस तरह से उन्होंने तोड़ फोड़ शुरू कर दी, तो फोर्स को ये करना ही था, एक्शन लेना ही था, सरकार को प्रशासन को भी ये लेना ही था। करनाल से पवन शर्मा की रिपोर्ट, आज न्यूज़।